तो फलकनाथ हो चुकी है इविक्टेड। मैंने बोला था आपको फलकनाथ इविक्ट होगी, होगी ना, घर वालों के वोटों से हो गई है फलकनाथ इविक्टेड। और सॉरी दोस्तों, मैंने मुझे थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन आ गया था कि जैद हदीद इविक्ट होने वाले। मुझे लगा था कि वो इविक्ट होने वाले, डबल इविक्शन होगा, लेकिन सलमान सर ने बोला अगला जो इविक्ट होने वाला है वो है सलमान खान, और वो चले गए ये बोल के। तो ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी सॉरी इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज सॉरी माई टू माई ऑडियंस, माफ़ी मांगता हूँ, मैं मुझसे गलती हो गई, जैद हदीद इविक्ट नहीं हुए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये बिग बॉस है, क्या पता कल इविक्शन हो, जैसे आलिया सिद्दीकी का इविक्शन हुआ था मिड वीक इविक्शन, वो मिड वीक इविक्शन भी हो सकता है ना, उसमें जैद निकल सकते हैं। और अगर मिड वीक इविक्शन नहीं हुआ तो भाई फिर नॉमिनेशन होगा। और अभी देखिए, मैं नहीं चाहता मेरे तरफ से कि जैद आउट हो, है ना, क्योंकि मैंने जैद को वोट किया है बहुत बार, मैंने मतलब मैंने वोट किया था जैद को ज़्यादा करके, हर मैंने रोज़ जैद को वोट करता था मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा वो लड़का पसंद आया, मुझे थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि बंदा थोड़ा अलग देश से आया है ना, कुछ जानता नहीं है, लैंग्वेज नहीं जानता, फिर भी एडजस्ट कर रहा है वो बंदा, है ना। आप करके दिखाइए, आप किसी ऐसा देश में जाइए बिग बॉस खेलने, देखता हूँ इंडियन आप तो वो हो जाएंगे, है ना। मतलब मैं इसीलिए थोड़ा जैद के ऊपर मेरा थोड़ा वो है, सब वो इमोशनल सपोर्ट है थोड़ा उसका, इसीलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे अब्दू आया था बाहर से, तो ऐसे ही थोड़ा है ना। तो वैसे तो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट एलविश है, मैं चाहता हूँ कि एलविश यादव जीते, पर ऐसे मैं जैद को सपोर्ट करता हूँ, है ना। तो एलविश और जैद इन दोनों में से मेरा है, और पूजा जी भी है मेरे फेवरेट, लेकिन फलकनाश हो गई है विक्ट। अब दोस्तों गेम में एक नया वो आया है, अभी अभी देखा गया है कि बेबी का लड़ाई कर रही है फिर से अभिषेक के साथ, कि उसने गाली नहीं दी, उसने बिच नहीं बोला, पहले मनीषा ने बिच बोला, लेकिन मुझे लगता है उसको बेबिका ने बिच बोला था, मुझे लगता है मनीषा को, फिर मनीषा ने बोला उसको, तो ये लड़ाई हुई थी। तो अब तो फिर से झगड़ा उन दोनों में, अब जैद और बेबिका के बीच में फिर से दूरियाँ बढ़ी, और बेबिका जैद का मदद ले रही है। और इधर आपको पता है कि अभिषेक का कैप्टेंसी वापस आ चुका है, जी हाँ, जिया शंकर लेके आई अभिषेक का कैप्टेंसी वापस, उनको पूजा जी का ब्रेसलेट और अविनाश का ब्रेसलेट में से, और जो अभिषेक की कैप्टेंसी, उन तीनों में से एक चुनना था बीवी वर्ष में, और उन्होंने अभिषेक का कैप्टेंसी चुन लिया। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक अब फिर से कैप्टेंसी के लिए लड़ेंगे अगले नेक्स्ट वीक में, या फिर कल सर परसों कैप्टेंसी टास्क होगा, फिर से पूजा भट्ट चली जाएगी, शायद पूजा भट्ट, आई थिंक पूजा भट्ट चली जाएगी, उनका कॉन्ट्रैक्ट चला हो जाएगा, फिर पूजा भट्ट अपने आप चली जाएगी, क्योंकि पूजा भट्ट तो नहीं जाने वाली, साजिद खान जैसे गए थे वैसे ही उनकी होगी, तो ऐसे होगा अभिषेक अब कैप्टन बन पाएगा फिर से। अब दोस्तों गेम तो 3 हफ्ते का है, ज़्यादा है नहीं, एलविश या अविनाश ही जीतेगा बिग बॉस, और जैद शायद आखिर तक रहे या अगले हफ्ते, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में निकल जाएगा शायद, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी अभिषेक बन जाएगा कैप्टन। चलिए दोस्तों बिग बॉस देखते रहिए, थैंक यू भाई।